नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल शेयर में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका कोई ब्लॉग है या फिर आपका कोई यूट्यूब चैनल है जिसे आप चलाते हैं, या फिर आपके पास ब्लॉग यानी वेबसाइट भी है और यूट्यूब चैनल दोनों हैं, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको एक ही एडसेंस अकाउंट से इन दोनों को कनेक्ट कर देना है या फिर दोनों को अलग अलग एडसेंस अकाउंट से कनेक्ट करना चाहिए, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपकी इस सबसे बड़ी समस्या का समाधान करने वाला हूं। तो चलिए आपके समय को व्यर्थ ना करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। अब आपको सबसे पहले मैं इस वीडियो में बता देता हूं एडसेंस अकाउंट से जुड़े फैक्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी ने यह कहा है कि आप अपने यूट्यूब चैनल और ब्लॉगर अकाउंट को एक ही एडसेंस से मत जोड़िए, तो यह गलत तथ्य है। क्योंकि आपको अगर नहीं पता है तो आप यूट्यूब चैनल और अपने ब्लॉगर अकाउंट को बड़ी आसानी से एक ही एडसेंस से जोड़ सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। वहीं आप अगर कोई गलती करते हैं तभी आपके एडसेंस में कोई समस्या आएगी, जैसे कि आपने या तो एडसेंस के किसी नियम कानून को तोड़ा हो या फिर आपके ब्लॉगर या यूट्यूब चैनल पर किसी पॉलिसी या नियम का उल्लंघन हुआ होगा, तभी आपके एडसेंस में दिक्कत आती है। और आपके एडसेंस वेबसाइट या फिर ब्लॉगर अकाउंट पर है तो ब्लॉगर में भी आपके दिक्कत आ सकती है, और यूट्यूब पर अगर आप नियम तोड़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अगर काम करना है और लंबे समय तक टिके रहना है तो आपको एडसेंस के नियम और कायदों को, यानी जो उनकी रूल्स रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज उन्होंने बताई हैं, उनको आपको फॉलो करना है, उनको वायलेट आपको नहीं करना है। अगर आप किसी भी प्रकार से कोई नियम तोड़ते हैं तो दिक्कत आएगी, और अगर नियम नहीं तोड़ते हैं तो किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आती है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। अब बात करते हैं ब्लॉगर और एडसेंस के बारे में। अगर आपका कोई ब्लॉग गूगल पर है, यानी ब्लॉग स्पॉट पर है, या फिर वर्डप्रेस या फिर किसी अन्य तरीके से आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को चलाते हैं, तो आपको एडसेंस की पॉलिसी का ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपका ब्लॉग गूगल के ब्लॉगर पर बनाया हुआ है तो आपको ब्लॉगर और एडसेंस दोनों प्लेटफॉर्म के सभी नियम और उनकी नीतियों को मानना जरूरी है, और उनका पालन भी आपको करना होगा। अगर आप किसी पॉलिसी का उल्लंघन करते हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है। इसका सीधा इफेक्ट आपके ब्लॉग और एडसेंस पर किसी में भी पड़ सकता है, जिनमें से अगर आप एडसेंस की पॉलिसी का उल्लंघन करते हैं तो एडसेंस में दिक्कत आएगी, और ब्लॉगर की पॉलिसी का उल्लंघन करते हैं तो ब्लॉगर में दिक्कत आएगी, और इसके साथ ही आपका एडसेंस भी डिसेबल हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो कि दोनों पर असर पड़ जाए, तो आप इस चीज़ का भी खास तौर पर ध्यान रखें। अब बात करते हैं यूट्यूब चैनल और एडसेंस की। बात करें YouTube चैनल और AdSense की, तो आपको वहाँ पर भी यही नियम फॉलो करना होगा। YouTube के सभी नियम और शर्तों का आपको पालन करते हुए और AdSense की सभी पॉलिसी और नियमों को मानते हुए आपको उनका पालन करना होगा। अगर आप कोई भी नियम का उल्लंघन करते हैं तो आपका YouTube चैनल और AdSense दोनों इफेक्टेड हो सकते हैं, और आपका YouTube चैनल पर मोनेटाइजेशन भी बंद हो सकता है, या आपका AdSense अकाउंट भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो आपको सभी नियमों को मानते हुए ही अपने कार्यों को आगे करना है। अब बात करते हैं ब्लॉगर और यूट्यूब चैनल को एक एडसेंस से जोड़ने की। दोस्तों बात करें ब्लॉगर और यूट्यूब चैनल को एक ही एडसेंस से जोड़ने की, तो इसमें किसी प्रकार की कोई कहीं भी समस्या नहीं है। आप अगर ये चाहते हैं कि आप एक ही एडसेंस से अपना यूट्यूब चैनल और ब्लॉगर जोड़ दें, तो आपको बस यह ध्यान रखना है कि आप यूट्यूब के सभी नियम और पॉलिसी का उल्लंघन करने से बचें और उनका खास तौर पर ध्यान रखें। ऐसे ही ब्लॉगर पर आपको सभी नियम और पॉलिसीज को फॉलो करना है, अन्यथा आपको एडसेंस में परेशानी देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन यदि आपको यह लगता है कि आप एक ही एडसेंस पर ब्लॉगर और यूट्यूब चैनल को जोड़कर सभी पॉलिसी का ध्यान रखेंगे और उन्हें नहीं तोड़ेंगे, तो आप बेफिक्र होकर एक ही एडसेंस से दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने भी ऐसा किया हुआ है और दोनों चीज़ें मेरी अच्छी चल रही हैं। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल और ब्लॉगर को सेफ रखना चाहते हैं, और अगर आपके मन में कहीं भी कोई शंका है कि आप किसी भी पॉलिसीज का उल्लंघन कर सकते हैं, या आपको ध्यान नहीं रहता, यानी अनजाने में ही आपसे कोई चीज़ हो सकती है, ऐसा आपको डर लगता है, तो आप एक ही एडसेंस पर ब्लॉगर और यूट्यूब चैनल की सभी नीतियों का पालन नहीं कर पाएंगे ऐसा आपको लगता है, तो आप एक सर्विस को तो अपने खुद के एडसेंस अकाउंट से जोड़ सकते हैं, और एक एडसेंस अकाउंट आप अपने घर के किसी अन्य सदस्य के नाम से भी बना सकते हैं, जिसके साथ आप अपनी दूसरी सर्विस को जोड़ सकते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही एडसेंस अकाउंट का इस्तेमाल कर सकता है, तो एक व्यक्ति के पास दो एडसेंस का होना इलीगल है। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि एक तो आप अपना इस्तेमाल करें, और दूसरा आप ही या बना लें अपने किसी दूसरे सदस्य का, अगर उसने बना रखा है तो वह इस्तेमाल में ले लें। आप अगर ब्लॉगर यूट्यूब चैनल को अलग अलग एडसेंस से जोड़ के रखेंगे तो आपको फ़ायदा यह भी होगा कि आपके अगर ब्लॉगर में समस्या आती है तो आपका यूट्यूब चैनल चलता रहेगा और उससे जुड़ा एडसेंस भी चलता रहेगा,
और यदि आपके YouTube चैनल में दिक्कत आती है तो आपके ब्लॉगर चलता रहेगा यानी वेबसाइट आपकी चलती रहेगी और उससे जुड़ा हुआ एडसेंस अकाउंट भी प्रभावित यानी इफेक्टेड नहीं होगा। लेकिन यदि आपने ब्लॉगर और YouTube चैनल को एक ही एडसेंस से जोड़ दिया है तो दिक्कत कुछ नहीं है, बस समस्या यह रहती है कि आपके दोनों प्रोडक्ट ब्लॉगर और YouTube चैनल एक ही एडसेंस से जुड़े होने पर आपके ब्लॉगर में दिक्कत आती है तो YouTube चैनल पर भी मोनेटाइजेशन बंद हो सकता है और अगर YouTube चैनल पर दिक्कत आती है तो आपका ब्लॉग भी इससे इफेक्टेड हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे ब्लॉगर और YouTube चैनल पर एडसेंस का इस्तेमाल करना है। आपको किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हमें देना है या कोई शिकायत है या फिर कोई आपका प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी कमेंट का जवाब जरूर देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।